खरगोन जिले की भिकनगांव तहसील के ग्राम खुलवा के संदिग्ध सईद पिता शेरा की इंदौर में मृत्यु हो जाने की सूचना मिलते ही ग्राम खुलवा को ग्राम पंचायत ने मकानों को सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। वहीं शनिवार को दोपहर अनुविभागीय अधिकारी बीएस सोलंकी, तहसीलदार देव कुमार सिंह सोलंकी, एसडीओपी आरआर अवस्या, पुलिस थाना प्रभारी संतोष सिसोदिया ने गांव को सील किया है। गांव के लोगों को कोरोना जैसी बीमारी को लेकर जागरूक किया गया और कहा कि सभी अपने अपने घरों में ही रहें, बाहर नहीं निकले। वहीं ग्राम खुलवा के बाहर से आए लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। भिकनगांव स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्राम खुलवा पहुंचकर ग्रामीणों की स्क्रीनिंग की गई और सईद के परिवार के 8 लोगों के सैंपल लिए। भिकनगांव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। प्रशासनिक अमला के साथ में स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर खुलवा में जो स्क्रीनिंग के लिए आए हुए हैं, क्या पूरा विषय है मैडम? ये यहाँ से 4-5 दिन पहले एक सईद नाम का व्यक्ति आया था हमारे पास, सर्दी खांसी की कंप्लेंट और सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी। इस वजह से हमने उसको चेक किया तो उसका सेचुरेशन बहुत कम हो रहा था, तो जिस वजह से हमने उसको जिला अस्पताल खरगोन तुरंत रेफ़र किया और वहाँ से उसे इंदौर रेफ़र किया गया और वहाँ जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या आपको आशंका है कि उस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो संक्रमण होने का? हाँ, सस्पेक्टेड मान सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि उसके परिवारजनों के सैंपल ले सके और बाकी लोगों को भी सावधान रहने के लिए कह सकते हैं। कुल मिला के पूर्व की तैयारी चल रही है? हाँ जी हाँ, ये कोरोना कितने लोगों के सैंपल ले रहे हैं पूर्व की तैयारी, ताकि संक्रमण ज़्यादा ना फैल सके और हम उसको रोक सके। कितने लोगों के सैंपल ले रहे हैं? परिवार के उसके 8 लोगों के सैंपल लिए हैं और बाकी जिस जगह उनका घर है वहाँ पूरे गांव के हमने स्क्रीनिंग शुरू करवा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने क्या क्या तैयारी रखी मैडम ग्राम खुलवा के लिए? आज स्क्रीनिंग, एक तो परिवार के जनों के उसके संबंधित जो है उनके सैंपल लिए गए हैं और जो उसका घर है उसके आसपास के जितने घर हैं उनकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ताकि साथ ही पता चल सके किसी अन्य को भी सर्दी खांसी अगर हो तो उसका तुरंत उपचार किया जा सके। मैडम बताया जा रहा है कि इस गांव में बाहरी लोग बहुत आए हैं पिछले 2 महीने के अंतर्गत। हाँ, उनकी जांच हो पाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, हमने अभी पूछताछ की है लेकिन अभी गांव वाले का कहना है कि अभी कोई नहीं आया है यहाँ पे बाहर से, लेकिन हम लोग अपनी पूछताछ जारी रख रहे हैं। ओके सर, आज पूरा प्रशासनिक अमला ग्राम खुलवा में आया था, क्या पूरा विषय रहा सर? 4-5 दिन पूर्व सईद करके एक मतलब यहाँ का नागरिक था जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसको हमने खरगोन रेफर करवाया था। रेफर सर खरगोन से फिर इंदौर गया था, उसकी डेथ हो गई। आशंका है कि कहीं वो रिपोर्ट में पॉजिटिव नहीं निकले, इसलिए हम लोग ग्रामीण जनता को जहाँ जागरूक कर लेते थे आए थे। सुरक्षा की दृष्टि से आज आपने ग्रामीणों को क्या क्या संदेश दिए थे? यही है कि वो डिस्टेंस बना, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, अपने घरों में रहें और समय समय पर कोई तकलीफ हो तो प्रशासन को अवगत कराएं ताकि हम उनको सुविधा दें। सर ग्रामीणों में जो हिस्ट्री भी देखी जा रही है कि कौन सा व्यक्ति कहां से कब बाहर आया? हिस्ट्री तो पूछ रहे हैं हम लोग इनसे, लेकिन अभी तक उन्होंने कहीं जाने का बताया नहीं, फिर भी हम पता लगा रहे हैं। ठीक, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।